कोलारस नगर में चोरी और लूट की घटनाओं पर रोक लगाने के शिवपुरी और कोलारस व्यापारियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। थाना प्रभारी की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। लगातार हो रही वारदातें नहीं होती ट्रेस। कोलारस नगर में आए दिन चोरी और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में मेला ग्राउंड के पास कृष्णा ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसी क्रम में 21 तारीख को मंडी प्रांगण के गेट पर व्यापारी फर्म पूरन हरिओम के मुनीम सफी खान को एक अज्ञात लुटेरों ने लगभग 5 लाख रुपए की लूट की। इस प्रकार की वारदात नगर में जारी है। इसी प्रकार पूर्व में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और मानीपुरा के गोदामों की दीवार तोड़कर अनेकों बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। अप्रोच रोड सदा बाजार मानीपुरा से दुकान के सामने आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की वारदात चोरों के द्वारा की जा रही है। इससे समस्त व्यापारी भय वर्ग में भय का माहौल है। व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं निवेदन किया कि नगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए जिससे समस्त व्यापारी अपने आप में सुरक्षित महसूस कर सकें और चोरों को पकड़ा जाए, ऐसी शिवपुरी एसपी से मांग की है। कोलारस में लगातार पिछले समय से चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं और कल ही दिन दहाड़े एक हमारे व्यापारी भाई को टक्कर मारकर 5 लाख रुपये लूट ले गए। भीड़ वाली जगह थी, ऐसा नहीं कोई सुनसान जगह हो। कल बैंक में भी कुछ महिलाओं ने 1 लाख रुपये अभी चोरी की। उसके पहले मोटी मोटी दीवार फोड़ कर पहले गोदाम से चोरी हुई, बाद में एक शोरूम से चोरी हुई। लगातार हमारी चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन चोरियों को जल्दी से अभी केस हो पकड़े जाए अपराधी के लिए। सब व्यापारी और शिवपुरी के व्यापारी भी यहाँ, मंडी के व्यापारी भी अभी सबको उनका ध्यान ज्ञापन किया है।